संघ लोक सेवा आयोग यानी UPSC ने 2021 परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया। परीक्षा परिणाम में टॉप 3 में लड़कियां ही शामिल हैं। पहला स्थान श्रुति शर्मा, दूसरा स्थान अंकिता अग्रवाल और तीसरे स्थान पर है दामिनी सिंगला। तो बात करेंगे आज टॉपर श्रुति शर्मा की, जिनका जामिया और JNU दोनों से खास रिश्ता रहा है और दोनों ही विश्वविद्यालय यानी जामिया और JNU कई बार चर्चा में रहे हैं। बता दें कि श्रुति शर्मा उत्तर प्रदेश के बिजनौर की रहने वाली हैं। उनकी शिक्षा की बात करें तो दिल्ली के सेंट स्टीफंस कॉलेज और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की पूर्व छात्रा हैं। जानकारी के मुताबिक उन्होंने जामिया मिलिया इस्लामिया आवासीय कोचिंग अकादमी में UPSC सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी की थी, जिसे शॉर्ट में RCA भी कहते हैं। RCA को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों जैसे श्रेणियों से संबंधित छात्रों को मुफ्त कोचिंग और आवासीय सुविधाएं प्रदान करने के लिए वित्त पोषित किया जाता है। बता दें कि श्रुति बीते 4 वर्षों से सिविल सेवा की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपनी सफलता का कोई खास मंत्र तो नहीं बताया, लेकिन इतना जरूर कहा कि अपने कोर्स की पढ़ाई के लिए एक रणनीति बनाना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही नोट्स बनाना, उसे दोहराना, इसके अलावा मानसिक रूप से एकाग्रता आवश्यक है, यानी कि धैर्य बेहद जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।